मम्मी जी ये लीजिए सलाद मैंने काटा है, लीजिए। मक्खन लगाना तो बहुत अच्छी तरह से आता है, चाबी घुमाना भी अच्छी तरह से आता, तो आज ये नौबत ना आती। अहम दिख रहा, आओ बैठो, खाना शुरू कर। जी मॉम। अहम दिख रहा, पुलिस से कुछ बात हुई? उन्होंने कुछ कहा? जी मॉम, मेरी बात हुई उनसे, लेकिन अभी तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। और चिराग का, आपने मुझसे कहा था कि मैं कमिश्नर से बात करूं, तो मैंने बात की, उन्होंने कहा कि मैं देख लूंगा। हे कृष्ण भगवान, पता नहीं मेरी दीकरी किंजल के जेवर कहां होंगे, किसके हाथों में होंगे। मैं तो उस पल को कोसती हूं जब मैंने किंजल के जेवर उससे लेकर अपनी अलमारी में रख दिए। तुम ठीक कह रही हो कोकिला, तुम वैसे तो चौकन्नी हो, पर कीमती सामान ज्यादा संभाल कर रखनी चाहिए, और जेवर वगैरह तो घर में रखने ही नहीं चाहिए। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि बैंक्स में इतने लॉकर हैं हमारे, जिसमें बा के, हेतल के, तुम्हारे सबके जेवर रखे हुए हैं, तो फिर ये किंजल के जेवर और कंगन बाहर कैसे रह गए? ये लापरवाही हुई कैसे? अगर जेवर लापरवाही से नहीं रखी गई होती ना, तो चोर अपने घर में आता तो उसे वो जेवर हाथ नहीं लगते। गलती तो हुई है। खैर, मैं सब लोगों से एक बात कह देता हूं कि आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। कीमती सामान को ध्यान से रखना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, अब ज्यादा दुख मनाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे किंजल बेटा, तुम ज्यादा परेशान मत हो, तुम्हारे लिए हम नए जेवर बनवा देंगे, उससे कहीं ज्यादा अच्छा। थैंक्स काका। चलो आप खाना खाओ। राशि, जिगर को मीठा दो। अहम बेटा, मीठा लो ना। नहीं नहीं काकी, रहने दीजिए। गोपी भाभी, बाहर सबने खाना खा लिया है, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए भी परोस देती हूँ। गोपी भाभी, आप खाना खाइए, मैं बाहर से और बर्तन लेके आती हूँ। गोपी, तुझे पता है मैं आज बहुत खुश हूँ। राशि बहन, आज घर में इतना सब हो गया, आप किस बात पे खुश है? जो टेबल पर हुआ उसके लिए। वैसे भी तू तो यहाँ थी, तुझे कुछ नहीं पता। पता है, आज पापा जी ने कोकी काकी को बुरी तरह लताड़ा, और उन्होंने ये भी कहा कि जेवरों की जो चोरी हुई है वो उनकी खुद की गलती से। उनकी खुद की गलती?
और नहीं तो क्या, ज्वेलरी कभी घर में रखी जाती है तो फिर बैंक लॉकर किसके लिए? मैं तो इसलिए खुश हूँ क्योंकि जो मेरे साथ बुरा करेगा उसके साथ बुरा तो जरूर होना है। आज तो मैं इतनी खुश हूँ कि दिन भर काम करने के बाद भी मैं अपने रूम में जाके खुशी खुशी वो सारा सामान समेट दूंगी जो जेवरों की तलाशी में हमने यहाँ वहां रख दिया था। माँ जी को कितना बुरा लगा होगा। मॉम, ये क्या आप मीठा खाए बिना ही चली हैं? ये लीजिए। नहीं अहम, माफ करना। मेरा मन नहीं है। मैं जानता हूं आपका मन क्यों नहीं है। चिराग काका ने जो आपसे कहा उसने आपका मन दुखी कर दिया। मैं समझ गया था, इसलिए मैं यहां आपकी इजाजत लेने आया था ताकि मैं चिराग काका से बात कर सकूं। मॉम, आप जानती हैं कि मैं आपको कभी भी दुखी नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं। हेम दिकरा, देखो जो हुआ सो हुआ, और वैसे भी अगर कोई भी मेरी तरफ उंगली उठाता है तो उसको जवाब देना तुम्हारे पापा का फर्ज है। लेकिन मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है, तुम्हारे पापा ने आज तक मेरे लिए कोई आवाज नहीं उठाई, न कभी मेरा मान रखा है न सम्मान रखा है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पापा अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते तो ना निभाए। पर अहम, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो जिम्मेदारी भी मैं तुम पर डाल दूं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मॉम, नहीं अहम, मैं तुम्हें ऐसी कोई भी इजाजत नहीं दूंगी जिससे हमारे घर की शांति भंग हो जाए। अहम दिकरा, चिराग काका तुमसे बड़े हैं, और एक बात कहूं, सच तो ये है कि अगर घर में चोर घुस आया है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ राशि की भूल के कारण। मैंने उससे कहा था, इसके बावजूद भी उसने घर के पीछे का दरवाजा खुला छोड़ दिया, ताला नहीं लगाया, इसीलिए तो चोर घर में घुस आया। ये राशि की भूल है। और मोटा भाभी ने, उन्होंने क्या किया? अपनी वह राशि की गलती को नजरअंदाज किया एक बार दोबारा, और राशि की भूल को, उसके इल्जाम को अपने सर पर ले लिया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, हम हमारे घर का क्या होगा? जो भी हो, लेकिन कोई आपको दुखी करे ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, कभी नहीं। अहम दिकरा, बेटा शांत हो जाओ। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूं, जा जाकर आराम कर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।